हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिक्लोफेनिक तथा थियोकोर्सिकोसाइड टेबलेट के बारे में। यह एक पेन किलर मेडिसिन है। जानेंगे यह टेबलेट आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाती है, इसकी क्या स्ट्रेंथ रहती है, इस टेबलेट का यूज कौन कौन से दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है, इस टेबलेट का क्या डोज रहता है और इस टेबलेट से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और इस टेबलेट को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है, और यह टेबलेट आपको मार्केट में कितने रुपए में मिल जाती है, ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एसिक्लोफेनिक तथा थियोकोल्सिकोसाइड टेबलेट की बात करते हैं, तो यह दो कंपोजिशन की एक दवा है। इसमें जो एसिक्लोफेनिक है, यह NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास की दवा है, जो कि एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखती है और यह दर्द तथा सूजन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। और जो थियोकोल्सिकोसाइड है, यह एक मसल्स रिलैक्सेंट मेडिसिन है, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखती है और यह हमारे ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड के उस सेंटर पर कार्य करती है, जहां पर मसल्स पर खिंचाव तथा स्टिफनेस की समस्या रहती है, उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस प्रकार ये दोनों दवाइयां मिलकर व्यक्ति की बीमारी को ठीक करने का कार्य करती है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह दो अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। पहली स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें एसिक्लोफेनिक 100 mg तथा थियोकोल्सिकोसाइड 4 mg की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है, और सेकेंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें एसिक्लोफेनिक 100 mg तथा थियोकोल्सिकोसाइड 8 mg की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है, और यह जो स्ट्रेंथ है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे जीरोडोल TH, हाइफेनिक TH, थियोस्पास ए, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। और इस टेबलेट के नाम के बाद में जो TH4 तथा TH8 लिखा हुआ होता है, उससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, यह टेबलेट की स्ट्रेंथ तो होती है। अब बात कर लेते हैं यह टेबलेट आपको मार्केट में कितने रुपए में मिल जाती है। इस टेबलेट के प्राइस की बात करते हैं तो एक टेबलेट की एवरेज प्राइस 25 रुपए से लगाकर 35 रुपए तक होती है, और यह जो प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड तथा ड्रग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। जो आपको सस्ती मिले आप उसे खरीद सकते हैं, क्योंकि सबका असर एक जैसा होता है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का यूज किन किन कंडीशन में किया जाता है। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटी एनाल्जेसिक तथा एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखती है, तो इसका यूज मांसपेशी में खिंचाव तथा दर्द सूजन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की पीठ में, कमर में तथा शोल्डर के मांसपेशी में खिंचाव आ जाता है और उसके कारण व्यक्ति को बहुत तेज दर्द होता है, बॉडी का ठीक से मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को स्पोर्ट्स में गेम खेलने के दौरान या किसी अन्य प्रकार का कार्य करने के दौरान यदि मांसपेशी में खिंचाव हो जाता है और दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी हैवी सामान से टकराने के कारण यदि इंजरी हो जाती है, जिसमें इंजरी बाहर साइड नहीं होती है सिर्फ अंदर की साइड होती है, तो उस समय भी व्यक्ति को बहुत तेज दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और इस टेबलेट का यूज मुख्य रूप से ऑर्थोपेडिक डॉक्टर करते हैं, और वो इस टेबलेट का यूज उस समय करते हैं जब व्यक्ति की हड्डी तथा हड्डी के ज्वाइंट्स में दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, जिसके कारण से व्यक्ति को चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है और दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति के घुटनों में दर्द तथा सूजन की समस्या इस टेबलेट से ठीक नहीं होती है, तो उस समय उस व्यक्ति को इटोरिकॉक्सिब तथा थियोकोल्सिकोसाइड कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाती है। और यदि आप इटोरिकॉक्सिब तथा थियोकोल्सिकोसाइड टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। ओवरऑल यदि बात की जाए तो मांसपेशी में खिंचाव तथा स्टिफनेस के कारण जो दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का क्या डोज रहता है और इसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है।
इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को एसिक्लोफेनिक तथा थियोकोल्सिकोसाइड 4 mg की टेबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। और यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से ज्यादा फायदा नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को एसिक्लोफेनिक तथा थियोकोल्सिकोसाइड 8 mg की टेबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दी जाती है। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। जब आपको दर्द होता है तो उस समय आप इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उस व्यक्ति को 7 दिन से लगाकर 14 दिन तक सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, इनडाइजेशन, स्टमक अपसेट, गैस्ट्रिक इरिटेशन, एसिडिटी, डायरिया, स्किन इरिटेशन। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होता है तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज न करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ में उसे यह टेबलेट नहीं दी जाती है। उसके बाद सेकंड तथा थर्ड ट्राइमेस्टर में यह टेबलेट दी जाती है और उसे आवश्यकता अनुसार डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को लीवर, किडनी या ब्लड से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसे यह टेबलेट नहीं दी जाती है। इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद यूज करें। यदि आप खाली पेट लेते हैं तो आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको एसिक्लोफेनिक तथा थियोकोल्सिकोसाइड टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।